दोस्तों, रस्सी कूदना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और उसके फायदे भी लाजवाब हैं। रस्सी कूदने को इंग्लिश में रोप स्किपिंग या रोप जंपिंग कहा जाता है। दुनिया के कई सेलिब्रिटी रस्सी कूदने के फैन हैं, जैसे कि मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली, दुनिया के टॉप बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर। वहीं बॉलीवुड की बात की जाए तो उनमें अक्षय कुमार भी शामिल हैं। हॉलीवुड के भी कई मशहूर एक्टर रस्सी कूद को बेहद ही पसंद करते हैं। सभी खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी और हेल्थ के लिए एक्टिव लोग रस्सी कूदने के फायदे जानते हैं, इसलिए वे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज में इसे जरूर शामिल करते हैं। इस वीडियो में हम रस्सी कूदने के फायदे और रस्सी कूदने का सही तरीका क्या है उसके बारे में जानेंगे। 10 मिनट तक रस्सी कूदना 8 मिनट लगातार भागने यानी दौड़ने के बराबर होता है और 1 मिनट तक रस्सी कूदने से 10 से 16 कैलोरीज बर्न होती हैं। रस्सी कूदने में शरीर के लगभग सभी अंगों का उपयोग होता है। इसमें आपके पैर, पेट की मसल, कंधे और कलाइयां, आपके हार्ट और शरीर के सभी जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर हम रोजाना रोप स्किपिंग करते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, इससे आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें ताकि आप हमारी फिटनेस फैमिली का हिस्सा बन पाएं। तो चलिए जानते हैं रस्सी कूदने से होने वाले फायदों के बारे में। दिल के लिए फायदेमंद। रस्सी कूदने से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। दरअसल रस्सी कूदने से हृदय की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रस्सी कूदने से कार्डियो सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो ब्लड को पंप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। हृदय के स्वस्थ रहने से हार्ट स्ट्रोक और हृदय से जुड़े अन्य जोखिमों से बचा जा सकता है। यही वजह है कि रस्सी कूदने को कार्डियो एक्सरसाइज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला फायदा जानने से पहले हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि अगर आप जंपिंग रोप्स करते हैं तो एक दिन में आप कितनी बार करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फायदे की ओर, जो है रस्सी कूदने से आपकी जो हड्डियों की बनावट होती है उनमें घनावट आती है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। रस्सी कूदने में लय, रणनीति और सही संचालन तीनों की जरूरत होती है, इसलिए यह दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। मोटापा घटाने में मददगार। रोजाना रस्सी कूद करने से मोटापा भी कम हो जाता है। रस्सी कूद करने से अतिरिक्त कैलोरीज को बर्न करने में मदद मिलती है। अगर हम रोजाना केवल एक एक्सरसाइज मतलब सिर्फ जंपिंग रोप ही 20 मिनट तक कर लेते हैं तो आप एक हफ्ते में जंपिंग रोप्स करके और थोड़ी बहुत अपने डाइट के अंदर चीजों को चेंज करके, जैसे कि मीठा खाना छोड़ दिया, नमक थोड़ा कम कर दिया, तली हुई चीजें कम कर दी, ऐसा करने से एक वीक के अंदर आप 3 से 4 किलो तक अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। इसलिए मोटापे को कम करने के इच्छुक लोगों को रस्सी कूदने को अपनी एक्सरसाइज की रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। रस्सी कूदने से लंबाई बढ़ती है। रस्सी कूद से रीढ़ की हड्डी, पेट की कोर और पैर की मसल्स एक्टिवेट होती हैं और कुछ नई मसल्स भी बनती हैं। रस्सी कूदने से हड्डियों का जो बोन मास होता है वो भी बढ़ता है। इन दोनों वजह से एक नियमित रस्सी कूदने से और हाई प्रोटीन और कैल्शियम वाली डाइट लेने से 3 से 6 महीने में आपकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपकी हाइट बढ़ने के पीछे आपके जीन्स और आपकी उम्र अहम रोल अदा करती है। लेकिन इससे आपकी हाइट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये रामबाण का काम करता है। तो इसलिए एक बार इसको ट्राई जरूर करें, क्या पता आपकी हाइट भी बढ़ जाए। और साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदे ही फायदे हैं। तो जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार इसको ट्राई 3 से 6 महीने जरूर करें। रस्सी कूदने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। फेफड़े मजबूत होते हैं, तो अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है और आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े लंबे समय तक आपका साथ दें और जल्दी से उनमें कोई समस्या ना आए, तो रोजाना रोप जंपिंग जरूर करें। चेहरे पर चमक आती है। रस्सी कूदना रक्त संचार यानी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करता है, जिससे त्वचा को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और शरीर के विषैले तत्व पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग हो जाती है, यानी चेहरे पर चमक आती है और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं वो इससे क्योर होने लगती हैं। रस्सी कूदने से आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो अगर आप अपने अंदर स्टैमिना की कमी महसूस करते हैं तो आप रोजाना 20 या 30 जंपिंग रोप्स लगाना शुरू करें। उसके बाद उसमें रोजाना कुछ ना कुछ ऐड करते रहें, जैसे आज 20 लगाई, कल 25 कर लिया, उसके बाद 30। अगर आपसे 5-5 का गैप इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप 1-1 या 2-2 का भी कर सकते हैं। ऐसा करने से 1 महीने बाद आप देखोगे कि जहां एक दिन आप 20 भी नहीं कर पा रहे थे, आज वो बढ़कर 20 से 100 हो गए हैं, 150 हो गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो शरीर की जो क्षमता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो स्टैमिना है वो इससे इंक्रीज होता है। तो अगर आप अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो रस्सी कूदने की आदत को अपनी रोजाना की जिंदगी में जरूर शामिल करें। दौड़ने के बजाय रस्सी कूदने का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके घुटनों पर बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि कूदने से लगने वाले झटके पूरे पैर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और घुटनों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, बल्कि रस्सी कूदने से जोड़ों को भी फायदा पहुंचता है।
दोस्तों जो बॉक्सर्स होते हैं यानी कि जो मुक्केबाज होते हैं, आपने उनको रस्सी कूदते हुए जरूर देखा होगा। इसका कारण है कि शरीर में जंपिंग रोप लगाने से जो बॉडी की बैलेंसिंग होती है वो इम्प्रूव होती है और पैरों के मूवमेंट में फुर्ती आती है, कंट्रोल आपके शरीर के ऊपर बढ़ता है जिससे वो किक को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो डिसीजन ले पाते हैं और अपनी जो मूवमेंट्स होती है उनको कर पाते हैं। हो सकता है कि पहले दिन रस्सी कूदने के बाद आपके पैरों में दर्द या जकड़न हो। इसका मेन कारण जो होता है वो लंबे समय तक सुस्त पड़ी मसल्स होता है, क्योंकि आपने उनको इतना एक्टिवेट नहीं किया। लेकिन जब आप जंपिंग रोप्स लगाना शुरू करते हैं तो उनमें कुछ दिनों के लिए पैरों में हल्का हल्का दर्द और जकड़न शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब आप स्टार्टिंग करें जंपिंग रोप्स लगाने की, तो शुरू में जो है वो कम लगाएं, शुरू में 20 या 30 से शुरू करें। अगर आप थोड़ा सा 50 तक लेकर जा सकते हैं तो रोजाना की 50 करें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी तरीके से आप उसको बढ़ाते रहें। जैसे आपने एक हफ्ते तक रोजाना 50 लगाई, उसके बाद अगले हफ्ते से आपने क्या किया कि उसको 75 कर दिया, और उसके बाद क्या किया आपने नेक्स्ट हफ्ते फिर उसको 100 कर दिया, फिर ऐसे करते करते धीरे एक दिन आप देखोगे कि आप एक दिन में 300 से 500 बार रस्सी कूदना शुरू कर देंगे। दोस्तों रस्सी कूदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे जब आप रस्सी कूदते हैं तो अगर आपको सांस चढ़ जाते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे लें, और एक ही स्पीड के अंदर आपको रस्सी कूदनी है। ये नहीं कि पहले ज्यादा स्पीड में कर लिया फिर कम कर लिया, ताकि जो आपकी हार्ट रेट है वो मेंटेन रहे। रस्सी कूदने से कुछ देर पहले आप थोड़ा पानी पी लें, ताकि आपको रस्सी कूदते हुए या कूदने के तुरंत बाद प्यास ना लगे, क्योंकि तब आपकी बॉडी गर्म होती है। और अगर आप रस्सी कूदने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो इससे होता यह है कि आपको गर्म सर्द हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप रस्सी कूदने जा रहे हैं तो उससे पहले ही पानी पी लें, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले। दोस्तों कूदने के लिए जो रस्सी होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबी हुई तो वो क्या होगा, जमीन से टकरा कर उलझ सकती है और आप गिर सकते हो। अगर ज्यादा छोटी हुई तो वो आपके पैरों में फंस सकती है। तो एक प्रॉपर लेंथ वाली आपको मार्केट से ले लेनी है और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप उसको सेट कर सकते हैं। रस्सी कूदने का सही समय सुबह या फिर शाम के 4 से 7 बजे तक होता है, क्योंकि तब आप लगभग खाली पेट होते हो। तब आप अगर जंपिंग रोप्स लगाते हो तो उसके आपको ज्यादा फायदे होते हैं। दोस्तों बाजार में आजकल ऐसी रस्सियां भी मिलती हैं जो रस्सी कूदने की गिनती को भी करती हैं, यानी काउंटिंग करती हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। वरना आप घर पर भी किसी भी रस्सी को यूज कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लें और फिर उसे जंपिंग रोप्स लगाएं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि अगर आप रस्सी कूदते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होंगे, कैसे लगानी है और क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारी फिटनेस फैमिली से जरूर जुड़ें। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।